एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है किरण। तो आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्टेनलेस स्टील के फ्राइंग पैन्स एंड सॉटे पैन्स का कलेक्शन। तो यहाँ पर टेबल पर आप देख सकते हैं मेरे पास दो सॉटे पैन है और एक फ्राइंग पैन है, और ये सारे जो बर्तन है ना, ये सारे बर्गनर ब्रांड के हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला जो ये सॉटे पैन है, ये है 3.1 लीटर का और 26 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है। लिड के साथ आता है और बहुत ज़्यादा हैवी है, प्योर स्टेनलेस स्टील है। और बर्गनर के जो बर्तन होते हैं ना, वो ट्राई प्लाई मेथड से बने होते हैं, यानी सबसे नीचे जो है वो स्टील की लेयर होती है, बीच में एल्यूमिनियम की लेयर होती है और ऊपर भी स्टील की लेयर होती है। इसके अंदर ना यहाँ पे मार्किंग बनी हुई है कि ये कितने कैपेसिटी का है। और जो ट्राई प्लाई मेथड होता है ना, उसका पर्पस ये होता है कि जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है कुकिंग के टाइम पे वो इक्वल होती है, इसलिए खाना जो है वो जलता चिपकता नहीं है। हैंडल वगैरह भी बहुत मजबूत हैं, बहुत स्टर्डी हैं, पूरा लॉक सिस्टम के साथ आते हैं। और इस तरह का हैंगिंग के लिए भी इसके हैंडल पर बना हुआ है, आप चाहे तो इसको टांग सकते हैं। और नीचे पूरा फ्लैट बेस है, ये आपके गैस स्टव के साथ साथ इंडक्शन पर भी वर्क करेगा। और अगर 5 to 6 मेंबर्स की आपकी फैमिली है ना, तो उनके लिए एकदम परफेक्ट सॉटे पैन है ये। बहुत फास्टर कुकिंग होती है क्योंकि इसका फ्लैट बॉटम है, और किसी भी तरह की करी और ग्रेवी वाली चीज़ बनाने के लिए थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में एकदम परफेक्ट है। और इसमें ना आगे बर्गनर भी मेंशन्ड है, इसका ब्रांड नेम। और इतने टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हो कि ये अभी भी एकदम नए जैसा लगता है। मुझे इसको यूज़ करते हुए 2 साल हो गए और अभी भी एकदम नए जैसा है। और इसका लिड मैं आपको दिखा दूँ, लिड भी काफ़ी हैवी है और अच्छे खासे लॉक सिस्टम के साथ है, और जो सॉटे पैन है ना उसके ऊपर एकदम अच्छे से फिट हो जाता है। तो ये था मेरा पहला सॉटे पैन। तो अब मूव करते हैं फ्राइंग पैन की तरफ। तो ये फ्राइंग पैन है और सेम इसकी भी फीचर्स हैं, बर्गनर ब्रांड का है, प्योर स्टेनलेस स्टील है, 20 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है और एकदम ग्लास सिल्वर मिरर फिनिश है। 3 साल हो गया है मुझे इसको यूज़ करते हुए, इसके लॉक सिस्टम एकदम परफेक्ट हैं और सेम हैंडल वगैरह में इसके टांगने के लिए बना हुआ है, आगे बर्गनर मेंशन्ड है। आपके गैस स्टव और इंडक्शन दोनों पे वर्क करेगा। और ये जो फ्राइंग पैन है ना, ये मैं एवरीडे बेसिस पे, ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस पे यूज़ करती हूँ। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इसका यूज़ ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट के लिए होता है। इस पे आप चीला वगैरह भी बना सकते हैं, पैनकेक्स बना सकते हैं, रोटियां भी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं। कम तेल में अगर आपको फ्राइंग वगैरह का भी काम करना है, जैसे पूड़ियां बनानी है या पकौड़े तलने हैं, वो भी आप इसमें कर सकते हो। बर्गनर के जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं ना, उनके हैंडल जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल गर्म नहीं होते, बट हल्के से स्लाइटली गर्म होते हैं, इतने भी ज़्यादा गर्म नहीं होते कि आपके हाथ जल जाएं। और इनको क्लीन करना भी इजी होता है, जो ग्रीन वाला स्क्रबर आता है ना उसी से काम हो जाता है, स्टील वाले स्क्रबर की ज़रूरत तक नहीं पड़ती। अगर आपने ठीक से ग्रीजिंग वगैरह की है ना, तो आप एकदम कम ऑयल में चीला वगैरह, पैनकेक्स वगैरह बना सकते हैं, या ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट एकदम कम ऑयल में बना सकते हैं, बिल्कुल भी वो ना जलेगा ना चिपकेगा। तो चलिए अब मूव करते हैं थर्ड सॉटे पैन की तरफ। तो ये जो सॉटे पैन है ना, ये मेरा सबसे रीसेंट परचेज़ है और ये 1.8 लीटर कैपेसिटी का है, 22 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है। सेम अगेन यहाँ पे आगे बर्गनर मेंशन्ड है और सेम फीचर्स हैं। मैं फिर से क्या बताऊँ, एकदम सेम फीचर्स हैं। जो पहले आपने दोनों बर्तन देखे ना, बड़ा वाला सॉटे पैन और फ्राइंग पैन, उसके लिड पे बर्गनर नहीं मेंशन्ड था, इसमें बर्गनर मेंशन्ड है इसके लिड पे भी। ये शायद इनकी जो नई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें ये चीज़ आई है। और इसका जो हैंडल है, इसमें भी यहाँ पे बर्गनर मेंशन्ड है। और बहुत ही प्यारा सा, क्यूट सा सॉटे पैन है ये, क्योंकि एकदम छोटा सा है और अगर आपकी छोटी सी फैमिली है ना, 2-3 लोगों की, तो उनके लिए एकदम परफेक्ट है करी ग्रेवी वाली चीज़ बनाने के लिए। और इसमें भी अंदर कैपेसिटी मेंशन्ड है कि ये कितने लीटर्स का है। बहुत ज़्यादा हैवी है, अगेन सारे सेम वही फीचर्स हैं।
इसको भी आप अगेन सेम हैंग करके रख सकते हो, टांग सकते हैं। इसके हैंडल पे भी उस तरह से बना हुआ है और गैस स्टव एंड इंडक्शन दोनों पे वर्क करेगा। अराउंड 6 मंथ्स हो गया मुझे इसको यूज़ करते हुए और ये अभी भी एकदम नए जैसा है। स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं ना, चाहे वो बर्गनर ब्रांड हो या कोई भी दूसरा ब्रांड हो, उनका एक क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस रूटीन होता है जो कि मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। इसलिए मेरे सारे बर्तन जो हैं वो एकदम इतने टाइम के बाद भी नए जैसे बने हुए हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुकिंग करें, हाई फ्लेम पर स्टेनलेस स्टील में कुकिंग ना करें अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड ना हो। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करते हूँ आपको पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर पसंद आई है, यूज़फुल लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना मेरे चैनल के न्यू वीडियोज़ अपडेट्स के लिए। और मैं मिलूँगी अब आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय।